तो जो मैं आप भी बताना चाहता हूँ वो सारा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, जो मैंने ये अप्लाई किया था 1 वीक बिफोर। तो मैं एक चालाकी बताता हूँ क्या होता है, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं बता रहा हूँ वो सीक्रेट मैं जल्दी जल्दी नहीं बताता, लेकिन ये सोच रहा हूँ तो बता देता हूँ। हे व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत लोगों ने कमेंट करके ये पूछा है मेरे से कि जो मैंने 1 वीक जो पढ़ाई किया था सीए फाउंडेशन के लिए, वो मैंने कैसे किया था, क्या मेरे प्लानिंग था, कैसे मैंने पढ़ाई किया, क्या मेरा शेड्यूल था। तो इतना सारा कमेंट आने के बाद मुझे सोचा हूँ कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। तो देखा जाए तो हाल ही फिलहाल में सीए फाउंडेशन का भी एग्जामिनेशन है, तो आप लोग को भी दिक्कत आ रहा होगा कि वीक का कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। हाल ही फिलहाल में अभी एग्जामिनेशन होने वाला है सीए फाउंडेशन का, तो आप लोगों का सोच रहेगा कि कैसे आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से रिवाइज करना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, ताकि आप लोगों का सीए फाउंडेशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। देखो तो भाई ज़्यादा कुछ करने का है नहीं, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया था मुझे कुछ नहीं आता था, 1 वीक का ही मैंने खाली स्टडी किया था और 1 वीक में कैसे भी पार हो चुका हूँ मैं सीए फाउंडेशन में। अब बहुत सारे ये वीडियो देख चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देखिए और कमेंट करके बताना कि मेरा रिएक्शन क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो मेरा एम है बाय एंड ऑफ दिस मंथ, बाय एंड ऑफ दिसंबर 2.5 के करने का, दूर नहीं है ये लक्ष्य, तो इसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन जो जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो वीडियो शेयर करिए, उसको भी बताइए कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि आप और आपका दोस्त दोनों पास हो। देखो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सीए फाउंडेशन में 12th बेसिस पे ही पूछा जाता है, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स 12th बेसिस पे ही पूछा जाता है। आप लोग 10 ईयर्स पेपर लीजिए, वो भी सीए का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बहुत सारा क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएगा, सबसे पहले तो उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स आपको नहीं आता है वो बुक से देखिए, उसके बाद उसको रिवाइज करिए, जो जो आपको नहीं आ रहा, जैसे कि बहुत सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, एमसीक्यूज होता है, तो शायद से मैथ्स और एक तो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू होता है, तो आप लोग क्या करिए एमसीक्यूज तो देगा, वो थोड़ा सा आसान होता है एमसीक्यू करना, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो एमसीक्यू से आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग 10 ईयर्स लीजिए और 10 ईयर्स का सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए प्लीज़। 10 ईयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले तो सबसे पहले कि अपना वेबसाइट पे चाहिए, वेबसाइट पे जाके जितना भी आपको कॉलेजेस का जितना भी आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल रहा है आप उसे सॉल्व करिए। ये फर्स्ट पॉइंट है कि मैं 10 ईयर्स बोलता हूँ हमेशा करने के लिए सारा एग्जामिनेशन के लिए, और आईसी क्लास 10 और 12 भी दे रहे हैं उनको भी बोलता हूँ मैं 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट। 10 ईयर्स तो हम लोग के लिए गीता है समझ लीजिए ऐसा। तो अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, तो सेकेंड पॉइंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोग का चैप्टर वाइज रिवीजन। तो चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे होगा, आपका हर बुक का एक लास्ट पेज में आपको दिखा जाएगा लेटेस्ट रिकैप्चुलेट, और उसके बाद देगा एमसीक्यूज और क्वेश्चंस देगा थोड़ा सा। तो आप उसको क्या करना है, आप हमेशा क्वेश्चंस को रीड करिए और अपने आप आंसर खुद पे खुद याद करते रहिए, ठीक है, ये हो सकता है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि 1 वीक में आपको पास होना है ना कि टॉप करना है, ठीक है। तो आप लोग मैथ्स जो जो आपका वीक पॉइंट है, जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट, कॉमर्स हो गया है, ये तीनों सब्जेक्ट आप क्या करिए, आप लोग वही चैप्टर को टच करिए। सोच लीजिए आपको 60% ही आता है, आपको 60% ऑफ द सिलेबस ही आता है, प्लीज़ ट्राई मत करिए कुछ नया चीज़ पढ़ने का। मैंने भी वही किया था, जो जो मैं जो आता है मैं उसे ही पूरा 100% पक्का करके आया था, उसीलिए मुझे पास हो गया मैं सारा सब्जेक्ट्स में। मुझे ज़्यादा कोई नॉलेज ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है, मुझे भी सिर्फ पास करना था, 1 वीक बाकी है तो मुझे सिर्फ पास करना है, टॉप नहीं करना है। तो आप लोग को जितना आता है बस उतना ही 100% दीजिए उसका, ताकि आप लोगों को पूरा से अच्छे से नॉलेज हो सके। लेकिन मुझे 60% ऑफ द सिलेबस आता था, 70% मैंने ट्राई किया करने का, और 60% तो 100% दिया, और 70 का कुछ 80% आता हो गया होगा, तो ऐसे ही लगभग मैंने कुछ स्टडी किया था। अब बात करते हैं अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसकी डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे कि बिजनेस लॉ हो गया। मेन है बिजनेस लॉ का ये कि आप लोगों को सारा चीज माइंड में होना चाहिए। देखो मेरा एक चीज प्लस पॉइंट ये था कि मैं कॉलेज में था और कॉलेज में भी बिजनेस लॉ था, तो मुझे 2-3 चैप्टर वहां पे पढ़ा दिए गए थे। हालांकि मैं सजेस्ट करता हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप उसका 2-3 पार्टी करिए। और जब आपको चैप्टर है जैसे कि कॉरपोरेट लॉज और पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एक्ट, ये सब आप ज़्यादा जल्दी करिए, ये जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। हाउएवर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारा बायोफिकेशन है, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उतना ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेटेज मार्क्स ज़्यादा है, ठीक है। आप बिजनेस एक एक सब्जेक्ट दो ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, दो ऐसा पेपर पकड़ लीजिए जिसमें आपको 70 से 60 तक आ जाएगा, और बाकी दो सब्जेक्ट जो आप ऐसा छोड़ दीजिए, मतलब कि अगर आपका 50 भी टच होता है तो आप लोग सेटिस्फाइड है, क्योंकि आपका एम है 40+ लाने का और एग्रीगेट 55 लाने का। तो अगर आपका 40 भी आता है, 45 भी आता है, या 50 भी आता है, सोच लीजिए 50 आया दो सब्जेक्ट में और 60 आया, 60-60 करके आया दो सब्जेक्ट में, एवरेज लेता हूँ तो 55 आ ही जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप लोग रेगुलर टेस्ट दीजिए, 1 वीक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो वो तो 10 ईयर्स का अंदर ही आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि आप लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा और मिनिमम 8 आवर्स अभी लगा दीजिए। देखो यार, मैं सिंप्लीफाइड फंडा में यही बोलता हूँ कि अभी 1 वीक है, सोना भूल जाओ, मोबाइल भूल जाओ, ठीक है, मोबाइल भूल जाओ, सोना भूल जाओ, सब चीज़ आपका रख दो साइड में। अभी 1 वीक का अंदर आपको क्लियर करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, मैं किया हूँ, आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा इजी है। आप लोग मोबाइल और अपना लैपटॉप या जो भी गेमिंग है, सोना भूल जाइए, बात बात अपना बंद कर दीजिए, अपना रूम को आपको बंद कर लीजिए। 8 आवर्स मिनिमम अभी पढ़ना है, पढ़ना है, रात को 4 आवर्स, सुबह 4 आवर्स, कोई भी टाइम निकालिए सुबह। तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि भाई स्ट्रिक्ट शेड्यूल बिल्कुल फॉलो मत करना। आप लोगों को रात को 4 आवर्स, सुबह 4 आवर्स ऐसे करना है, एट अ बल्क 8 आवर्स पढ़ना है, कैसे भी पढ़ सकती है, कैसे भी पढ़ सकते हैं, एट योर ईज। सो आप लोग को बस ये सब फॉलो करना है। मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया था, कुछ नया चैप्टर नहीं किया था, हालांकि मैं 2-3 चैनल का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका मैं बिजनेस लॉ पढ़ा था। और लास्ट पॉइंट ये है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोग का इंस्ट्रक्शन जैसे ICI दिया है, वो रामबाण है, आप लोग उसको छोड़ के कुछ मत करिएगा। जैसे ब्लैक ब्लैक पेन लिखने बोला है तो प्लीज़ ब्लैक पेन से ही लिखिए, जैसे सर्कल बोला है। मैं एक चालाकी बताता हूँ क्या होता है, मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैं बता रहा हूँ, वो सीक्रेट मैं जल्दी नहीं बताता, लेकिन ये सोच रहा हूँ तो बता देता हूँ। सबसे पहले सोच लीजिए कि आपको 10 क्वेश्चंस दिया है, जिसमें से आपको 5-6 बहुत अच्छा से आता है और 2-3 का थोड़ा डाउट है, ठीक है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं ना पहले 3 कर लेता हूँ। पहले 3 करने से क्या होता है कि इंप्रेशन बढ़ जाता है और रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अब जो 4 बाकी है, वो क्या करता हूँ मैं, पहले दो लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उसमें मार्क्स भी रहेगा। फिर एक अच्छा कर देता हूँ, फिर एक खराब, और फिर एक अच्छा। मतलब कि ऐसा मत करिए कि सारा जितना भी आपको आता है सब स्टार्टिंग में रख दीजिए, और जो लास्ट लास्ट में जो आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, उसको क्या करिए, आप लास्ट में रख दीजिए। इससे क्या होता है ना, जनरली सबको यही करते हैं, इससे क्या होता है कि सब फर्स्ट में आपको सबको मिलता है, और एग्जामिनेशन को भी पता होता है कि लास्ट लास्ट में तो बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, लास्ट लास्ट में भी अच्छा करिए, उससे क्या होता है जब लास्ट लास्ट में भी फुल मार्क्स मिलता है ना, तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा सा रहता है, तो फिर वो फिर से एक बार चेक कर सकता है कि आपका कोई गलत है कि नहीं। हाउएवर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ में तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो सब नंबर वाइज करना ही पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में ये एक ट्रिक है, आप उसे कर सकते हैं। तो बस बस मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोग इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, रिविजन करिए टेस्ट पेपर्स का, पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए, बस यही बोलना चाहूँगा। और 10 ईयर्स तो करना ही बोला था बस। तो बस आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरा एम है 2.5K का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय। और हाँ, बहुत सारे अच्छी वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना।